हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन इतिहास में वर्धन वंश या फिर गुप्त उत्तर काल जिसे कहते हैं, आज इस टॉपिक से पिछले जो वनडे एग्ज़ाम या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम आज देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। अपना विकल्प है कि ए राजवर्धन, बी आदित्य वर्धन, सी है पुष्यभूति वर्धन या फिर डी ऑप्शन नरवर्धन। तो आप विकल्प को ध्यान से देखें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची वन और सूची दो को सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो वर्धन वंश की जो राजधानी है वो है थानेश्वर। मौखरी जो है इसकी राजधानी है कन्नौज, और वाकाटक की राजधानी पुरी का, और मैत्रक की राजधानी बल्लभी जो कि गुजरात में है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची वन और सूची दो को। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्धन वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वह है पुष्यभूति, और मौखरी के संस्थापक माने जाते हैं ईशान वर्मा। वही आपका वाकाटक के जो हैं भटार्क, और मैत्रक के जो हो जाएंगे विंध्य शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जगह बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो किसे अपनी राजधानी बनाई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है वैजयंती या फिर वनवासी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षचरित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार प्रश्न पूछा गया है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये रचना है बाणभट्ट की, पी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। देखिए फ्रेंड्स, आने के तो जिसमें इत्सिंग, हेनसांग और फायान, ये तीनों ही चीनी तीर्थयात्री हैं, जिनमें कि फायान और हेनसांग के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो हेनसांग को याद रखना है हर्ष के साथ, ह और ह से है, यानी हर्षवर्धन और हेनसांग। वही फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, हेनसांग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। राजा पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये चालुक्य वातापी वंश के पराक्रम कह सकते हैं राजा था, किसने हराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक का कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। अशोक आपने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिंदुसार और अशोक, तो अशोक जो एक महान शासक कहलाता है अशोक महान, तो हर्षवर्धन जो है जिन्हें हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट किस सम्राट की राज दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, हर्षवर्धन के
शासनकाल में जो वाणभट्ट है, ठीक है, तो उसकी राजदरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी किस अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न है प्रतापशील हुड़ हरिण केसरी या फिर महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसने धारण की थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर जो कि हरियाणा में है से कहाँ से स्थानांतरित की थी, तो थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी कन्नौज जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है सकलोत्तरापनाथ किसे कहा गया है, ये एक पदवी है या फिर कह सकते हैं उपाधि है, तो किसने धारण की थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो शिलादित्य किसे कहा गया है वेन सांग के द्वारा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग आया था, ठीक है, जिसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के ह्रास मतलब उसके नष्ट होने के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, यानी गुप्त वंश के बाद कौन से वंश का उद्भव हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी सही है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि बंगाल का कौन सा शासक जो कि हर्ष के समकालीन था मतलब जो हर्ष का शासनकाल था, तो उस समय बंगाल में किसकी शासन कौन शासक था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर गंग यानी ये है शशांक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक है, तो ये चालुक्य वातापी क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति कह सकते हैं कर्नाटक में, तो किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। फिर आगे चलकर पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया, तो अभी हमने देखा था कि नरसिंह वर्मन प्रथम, ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, ठीक है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो नर्मदा नदी के किनारे, याद रखना है 18 का सी विकल्प सही है। अगला है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी कन्नौज, जिसने कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरण करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लाया था, ठीक है। आगे है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, तो हर्ष की जो जीवनी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था, ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 21 का बी प्रयाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 22 का। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है, तो थानेश्वर जो है ये हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में थानेश्वर है। और हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो ये मौखरी नरेश गृह वर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। फिर हर्षवर्धन के अग्रज यानी जो कि बड़े राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गौर नरेश शशांक जो कि हर्षवर्धन के समकालीन था,
गौड़ नरेश यानी शशांक गौड़ राज्य का ये राजा था। आगे है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की संवत किस उपलक्ष्य में किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कौन्नौज ले गया था? इस प्रश्न का हमने पहले ही जिक्र कर दिया था, यह है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ही थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरण करके कहाँ पर लाया? कन्नौज। अगला है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ये भी हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है कि ये उत्तर प्रदेश कन्नौज जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ह्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। ठीक है, कवि बाड़ भट्ट निवासी था। तो कवि बाड़ भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के समय राजदरबारी था, राजदरबारी कवि था। और जो कि थानेश्वर वर्तमान में जो कि हरियाणा में है तो वहाँ का ये निवासी था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बी थानेश्वर। अगला प्रश्न है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका ये तीन ऐसे रचनाकार हैं जो किसके द्वारा रचित हैं? तो ध्यान रखना है कि बी विकल्प सही है, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जिनकी ये तीन रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एक तो कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी हर्षवर्धन ने गुर्जरों के शासकों को पराजित किया था। आगे है, आज भी भारत में ह्सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ह्सांग कौन है? तो ह्सांग एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने सी यू की रचना की थी, ये उसकी रचना है सी यू की जो याद करने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ध्यान रखना है ये चालुक्य वंश के वातापी का शासक था, वातापी उनकी राजधानी भी थी। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का क्या नाम था? तो ध्यान रखना है बल्लभी नरेश जो थे वो हैं आपके ए यानी के ध्रुवसेना द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने तीन चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत के क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जानते हैं कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो वांग वेन से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 38 का ए वांग वेन सिंह। वेन सांग तो ये तो उसके जीवित जीवन काल में और ये मतलब मृत्यु के तुरंत बाद। आगे बढ़ते हैं, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों की राजकुमार कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ह्सांग।
आगे वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वेन सांग लगभग भारत में 13 साल रहा था। ठीक है, सॉरी 13 नहीं 14 साल तक। ठीक है, वेन सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौज में। आगे है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है सी, हर्षवर्धन को। आगे, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती अग्रगमन को रोका था? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, हर्षवर्धन ने। अब देखिए, एक तरफ सूची वन में राज्य और उसकी राजधानी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है कि हर्ष चरित और कादंबरी ये है आपका बाणभट्ट और प्रियदर्शिका, सॉरी ये राज्य नहीं बल्कि एक तरह से ये इसकी रचना है, रचना और या फिर लेखक कह सकते हैं या फिर रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है हर्षवर्धन का है, और नीति शतक, सिंगार शतक और भक्ति शतक जो है भर्तृहरि का है, और सूर्य शतक जो है मयूर का है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसमें से बी विकल्प सही है, कालिदास, जो कि हर्षवर्धन के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनकी कवि था। आगे है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो बिल्कुल दोनों सही है, कथन और कार दोनों सही है, ए बिल्कुल सही है और की व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे है कि कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महानाथ सेनापति और कुंतल सेनापति अशसेना, ये सभी विकल्प बिल्कुल सही मिलान है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ये बात किसने कही थी? तो ह्वेन सांग, जो कि चीनी तीर्थयात्री था, हर्षवर्धन के समय आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? तो इसका प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, प्रयोग किया जाता था, बी विकल्प सही है इसमें, खेत की सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, विनियम पत्र। आगे हैं कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? तो एरी पत्ती का जो अर्थ था वह जलाशय की भूमि, जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? तो भू राजस्व की जो सीमा थी वो है 1/6 से लेकर 1/10। अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी जो राज की शासकों की राजधानी थी वो है कन्नौज। इस प्रश्न का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आज की, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है ह्वेन सांग से, क्योंकि ह्वेन सांग ही हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जिसने सी यू ई की एक रचनाकार हैं जो रचना की थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका गुप्त उत्तर काल या फिर जिसे हम हर्षवर्धन काल कहते हैं, उनसे जुड़े प्रश्न पूछे गए पिछले एग्जामों में या पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपको किफ़ायती होगी। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, और अभी तक इस वीडियो को, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।